subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. कौन? अच्छा बेटे, अपना ख्याल रखो. खुदा हाफिज. जहान आप सबको सलाम कह रहा है. वो कॉलेज का एक लड़का बेचारा, चार्ली नाम है उसका, किडनैप हो गया. चार्ली? हाँ, वो एक लड़का यतीम खाने में पला था बेचारा, लेकिन फिर गलत रास्ते पर पड़ गया. जिन लड़कों ने फायरिंग की थी उनमें से वो भी एक था, लेकिन दो दिन पहले ही वो जान के पास आया था माफ़ी मांगने के लिए और ये कहने के लिए कि वो अब अपनी पूरी तवज्जो तालीम की तरफ देगा. जान को बहुत इंकरेजमेंट, खुशी मिली होगी. A real sense of achievement. Which reminds me of the movie, वो क्या थी, Sydney Poitier की, To Serve with Love. ये चार्ली यतीम खाने में पला है ना? हाँ महमूद, बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है. यतीम खाने में प्रवेश पाए और अब बेचारा जख्मी है. पता नहीं मुझे दोबारा अपनी हेल्प ऑफर करना चाहिए कि नहीं, लेकिन अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो आई बी वेरी हैप्पी टू. मामा चले, मुझे नताशा को भी लेना है जरा सा. अच्छा जी, चलते हैं फिर. इम्पॉसिबल, बैठे रहे आप यहीं पर. भाई वो अब्दुल्ला बेचारे ने आप लोगों के आने की खुशी में खाना तैयार किया, कौन खाएगा उसे? अगर आप में से कोई भी हिला तो मैं दोबारा पुलिस वाला बन जाऊंगा. बैठे रहिए यहीं पर. अंकल, आई टेल यू व्हाट, आई विल बी बैक, आई प्रॉमिस यू आई विल बी बैक फॉर डिनर. अभी थोड़ी देर के लिए इजाजत दीजिए, आई विल बी बैक. बादा बादा कैन गो. ऑलराइट, आई विल बी बैक. देखो मैं तुम्हारे टेलीफोन कॉलों से तंग आ चुका हूँ. जमीन तोहफे में दे दो, फोन बंद हो जाएंगे. इस सिलसिले में तुम्हें जवाब मिल चुका है. हाँ, और वैसे भी मुझे तुम्हारे जैसे हमसायों की जरूरत नहीं. मेरे भाई, खतरनाक दुश्मन से खतरनाक हमसाया बेहतर होता है. दूसरे खतरे भी तुमसे जरा दूर हो जाएंगे. मैं खतरों से घबरा कर इस मुकाम तक नहीं पहुंचा हूं. ना ना, तुम्हारी दिलेरी का तो मैं भी कायल हूं, इसीलिए तो तुमने मेरे भतीजे को भी पुलिस के हवाले करना चाहा. तुम्हारा भतीजा? हाँ, वो जिसने अपने दोस्तों के साथ तुम्हारे रिश्तेदारों के घर पे फायरिंग की थी. लेकिन वो इत्तफाक, मेरा मतलब है उस वाकये का तुमसे और मुझसे कोई ताल्लुक नहीं. बस लड़का जरा पागल है, दोबारा भी ऐसी हरकत कर सकता है. ये ख्याल रहे कि अगर अब उसके खिलाफ रिपोर्ट हुई तो. पिज्जा खाने के मजे सिर्फ इटली में आता है. मैं अब सिर्फ पिज्जा खाने के लिए इटली जाऊंगी. लेकिन सनम, तुमने बहुत चाइल्डिश हरकत की है. आई होप एवरीथिंग फाइन बिटवीन यू एंड अली. ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, बस शादी इतनी जल्दी में हुई कि मेरा ख्याल इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था. अच्छा ये बताओ कि तुम्हें अली कैसा लगा? अम्मी मैं इतनी जल्दी कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं करना चाहती, लेकिन अच्छा डिसेंट बंदा है. बट नॉट माय टाइप. नहीं, बहुत पढ़ा लिखा भी है, लेकिन ऐसे जैसे बंदा कोई किताब पढ़ रहा हो.
तो बेटा किताब पढ़ना तो तुम्हें पसंद है, लेकिन मुझे सिर्फ मेरे इंटरेस्ट की किताबों में दिलचस्पी है। अच्छा चले, खाने का वक्त हो गया, के खाना खाते हैं। मामू जान, डैडी, खाना। अली को तो आने दो। अस्सलाम वालेकुम। सनम आंटी, मैं नहीं आपसे बात करती। भाई क्यों? बस अगर आप लोगों ने मुझे इतना ही मिस करना था तो मुझे साथ ले जाते, फिर हम सब मिल के मजा करते। नेक्स्ट टाइम ओके। अली, बड़ी उम्र है तुम्हारी, देखो इधर तुम्हें याद किया और उधर तुम आ गए। थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। जानी है अभी जान कोई शैतान थोड़ी है जो याद करने में नमूदार हो जाए। गॉड ब्लेस। नोबी, से पीछे जुल्फी, मुझे खत्म कर देंगे। प्लीज जुल्फी, मुझे खत्म कर देंगे। चार्ली, तुम अस्पताल में हो, फिक्र मत करो, महफूज हो। मैं जहान हूँ। चार्ली, चार्ली, मैं रॉकी, रिजवान, दोस्त हैं हम तुम्हारे। सॉरी सर, मुझे कॉल आया सर, वो कुत्तों को सर आपने। चार्ली, तुम अपने दोस्तों के बीच हो, महफूज हो। वो लोग कहाँ हैं? कौन? नोमी वगैरह? उनका तो पता नहीं, लेकिन जुल्फी उधर ही है। सर, मैं खेल नहीं सकूंगा सर, फुटबॉल नहीं खेल सकूंगा सर। चार्ली, अच्छा है तुम वक्त पे आ गए, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अभी? बेहतर। आप लोग जरा बात तशरीफ लें। आप भी? आप रिपोर्टर से क्यों? भाई, अगर तालीम का शोभा भी इस किस्म के जरायम और तशद्दुद का शिकार है तो आई एम सॉरी, आई हैव लॉस्ट माय ऑप्टिमिज्म। महमूद यार, यू हैव ऑलवेज बीन अ ब्यूरोक्रेट, तुम सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट रहे हो, ऑप्टिमिस्ट नहीं। अहमद भाई, यू हैव ऑलवेज हेटेड अस। नहीं यार, मुझे तुमसे नफरत नहीं, तुम्हारे इस पैसिमिज्म से नफरत है। बड़ा बुजदिलाना रवैया है तुम्हारा जिंदगी के बारे में। नहीं अंकल, सुनिए मेरी बात, थोड़ी सी एहतियात तो लाजमी है ना, क्योंकि अगर आपका नुक्ते नजर कोई जंग पे हो या किसी जिहाद पे हो तो फिर? बेटे, मोहतात रहने में और सरेंडर करने में बहुत फर्क है। अगर आप जानते बूझते हुए वो राह इख्तियार ना करें जो आपके लिए और आपके माशरे के लिए फायदेमंद है, तो बेटे ये तो फिर दोगलापन हुआ ना, हिपोक्रेसी हुई ना। टेल मी, वुड यू लाइक टू डू दैट? वेल,
कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तो किए हैं मैंने जिंदगी के साथ, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस समझौते कैसे समझौते? वेल, कुछ इंडस्ट्रियल लोन्स लिए गवर्नमेंट से। अच्छा छोड़े, मामूजन मैंने एक नई नज़म लिखी इटली में। अरे फंटास्टिक बेटे, बड़े सही मौके पे तुमने ये मौजू बदला है। हाँ सुनाओ बेटे, इरशाद। अभी मुकम्मल नहीं है बट चले। मुसाफिर दिन मुसाफिर हैं ये रातें, मुसाफिर दिन मुसाफिर हैं ये रातें, सफर में हैं मुसाफिर दिल की बातें। हेलो, हाउ आर यू? अरे वेलकम बैक, कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र सनम वापस आ गए याद लगा के। That was really quick. यार सारा मजा किरकिरा कर दिया तुमने। भाई सनम नज़म सुना रही थी, अपनी ताज़ा नज़म। ओह I'm very sorry. सुनाओ सनम प्लीज। हाँ जहाँ आओ बैठो ना। अच्छा ये बताओ वो तुम्हारे स्टूडेंट का क्या हाल है? बड़ा सहमा हुआ है। ठीक लगता है उस लड़के के साथ तुम्हें बहुत लगाव है। अंकल मुझे लगाव तो है सबसे, सब में मुझे खासी पॉसिबिलिटीज नजर आती है। अब ये लड़का जो था वो कल तक मुझे दुश्मन समझता था अपना। जहान एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट विद यू मैं अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ। आई फील वेरी गिल्टी। नहीं नहीं अली ऐसी बात नहीं है, छोटा सा मसला था जो हल भी हो गया। बल्कि आज तो कॉलेज के दूसरे लड़के भी मेरे पास आए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लड़कों ने उसे अगवा किया था वो दोबारा कॉलेज में आ जाएंगे? अंकल ये तो इंतजामिया जाने, लेकिन मैं समझता हूँ कि सजाओं से लोग डर तो सकते हैं लेकिन सुधर नहीं सकते। अवेयरनेस ही लोग सुधार सकती है। अवेयरनेस नहीं भाई, वो बहुत डेंजरस किस्म के लोग हैं। अवेयरनेस उनके अबाउजदाद ने कभी नहीं देखी। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उनमें से एक लड़का जो है बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से। अली मैं खासा अलर्ट रहता हूँ। Somehow I don't see people as threats. Assalamu alaikum. जी फरमाइए। बच्चा ठीक है? जी इस वक्त तो सो रहा है, जख्म काफी गहरे हैं जी। लेकिन आप? मैं नौमी का चचा हूँ, मलक महफूज मेरा नाम है। मैंने उस गधे की खूब खबर ली है और वो चारों कुत्ते भी मैंने शूट करवा दिए हैं। लेकिन पुत्र तुम लोग? जी हम चार्ली के क्लास फेलोज हैं। ओ तो उसका कोई अजीज वगैरह नहीं है? ये डॉक्टर मॉक्टर को चक्कर लगाता कोई नहीं? जी डॉक्टर्स तो बहुत ख्याल रख रहे हैं, काफ़ी केयर भी कर रहे हैं। कोई बड़ा नहीं है इस वक्त? जी हमारे उस्ताद जहानजार साहब अभी कुछ देर पहले ही घर चले गए हैं। मैं दरअसल बच्चे की खैरियत पूछने, माजत करने और किसी बड़े से ये कहने आया था कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ौरन इत्तला करें। मैं हर तरह की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और ये नौमी के बाकी संगी साथी को पता है उनका? पता नहीं जी, उन लोगों को तो पुलिस पकड़ कर ले गई। पुलिस पकड़ कर ले गई है? ना ये तो गलत बात है भाई, ये बच्चों की लड़ाई झगड़ों में पुलिस थाने का क्या काम है? ना ये गलत बात है। क्या नाम है तुम लोगों के? जी मेरा नाम रिजवान है, ये आमिर है, ये नदीम है और ये इरफान। अच्छा नाम है रिजवान। ये उठे तो इसको बता देना कि नौमी का चाचा आया था, और ये भी बता देना कि नौमी अपने किए पे पशेमान है, आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। ठीक है? ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह वली।
हाँ बिच्छू सही, क्या हाल हैं आपके? ठीक हो जावर भाई, आजकल बड़ी तेजी दिखा रहे हो। देखो थोड़ा पीने वाले बहुत हो गए ना। बनारस बिच्छू सही, मलिक साहब आजकल कुछ, मलिक साहब को बोलो परेशान ना हो। परेशान बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम थोड़े आहिस्ता। बहुत कुछ सीख लिया मैंने, मलिक साहब को बोलो फिक्र ना करें। अबे आपसे यही उम्मीद है बिच्छू, इजाजत। आओ ना बस जाओ जाओ। हेलो, कौन बोल रहा है? फोन आपने किया है, आप कौन है, किससे? जान तुम ही हो। हाँ वो बच्चे को देखने गया था मैं अस्पताल, और माजरत करने सो कर ली। नौमी की भी खबर ली है, और कुत्तों को भी शूट करवा दिया है। अब मेरा ख्याल है मामलात जो है उसला सफाई से तय हो जाने चाहिए। वो कैसे? बस ये जरा बच्चों की सुलह करवा लो। सुनो बदतमीज आदमी, तुम्हारे भाई से तो मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि वो मेरा स्टूडेंट है, और तुमसे मैं इसलिए मिलना चाहूंगा कि तुम्हारी अपने बारे में गलतफहमी ने दूर कर सकूं। किधर मिलना है और किस वक्त? ना ना ना, एहतियात जहां साहब एहतियात। आप तो बहुत गुस्से वाले आदमी निकले, मैं तो आपको एक नरम मिजाज उस्ताद समझा था। बकवास बंद करो और वक्त और जगह बता दो। रही बात नौमी की, वो चार्ली और नौमी का अपना मामला है। चार्ली उसको माफ करना चाहिए या सजा दिलवाना चाहिए ये मेरा मसला नहीं है। चलो उनको रहने दो। जहां साहब आप तो बहुत दलेर और दिल वाले आदमी हैं, ये कॉलेज वॉलेज का क्या करना है आपने? मुझसे मिलने का शौक हो तो मैं इस वक्त भी मिल सकता हूँ, बताओ कहाँ मिलना है? नहीं बस शौक पूरा हो गया। और हाँ अपना ख्याल रखना, शब बखैर।
कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, हम यहीं पे। सब लोग अपना ख्याल रखो। हाँ हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं यार, कुछ नहीं होगा। सो जाओ तुम, कुछ नहीं होगा, हम यहीं पे। जहाँ से आपका भी ख्याल रखो। सो जाओ। दरवाजा बंद कर, अंदर दरवाजा। कोई ख्वाब देखा मेरे यहाँ से। सफर में है मुसाफिर दिल की बातें। लाला, आपने सनम को नोटिस किया? पता नहीं, फिक्रमंद होना मुझे बुरा शगुन लगता है। नहीं नहीं, फिक्रमंद होने की कोई बात नहीं। अली समझदार लड़का है, रीजनेबल है, दोनों एक दूसरे को जान पहचान लेंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। Let's hope so. वैसे फिक्रमंद तो महमूद भी है, उसको तो ये कंसर्न पहले दिखाना चाहिए था। जो हो गया सो हो गया, ठीक हो जाएगा सब कुछ, जरा वक्त दो उनको। बड़े बड़े समझौते कर लेते हैं लोग। आप अगर सनम से बात करके देखिए। करूंगा बात सनम से, लेकिन सलीमा ये बेहतर नहीं होगा कि तुम मुझसे बात करो? यू नो, वुमेन टू वुमेन टॉक। और फिर वो सनम की सास भी अच्छी खासी परसेप्टिव खातून है, उससे भी बात हो सकती है। पाँच छः माह तक तुम फुटबॉल नहीं खेल सकोगे यार, तब तक कोई अच्छी सी किताबें पढ़ लेना। लेकिन नहीं चार्ली, तुम्हें कितने कुत्तों ने काटा था? चार लेना, 14 × 56 56 इंजेक्शन तुम्हें लगेंगे। और मेरा ख्याल है कि 6 माह तुम इसी बेड पे आराम करोगे और हम कॉलेज में सुकून लेंगे थोड़ा। चलो यार, खैर है, इंजेक्शन कुत्तों से तो बेहतर है। काश इंजेक्शन नोमी को लगते। सर सर, वो माफ कीजिए, जहाँ सर नोमी वगैरह पुलिस के पास है। चार्ली, उनको तो तुम जिधर भेजना चाहोगे वहीं चले जाएंगे। जहाँ सब जी तो करता है कि उनको कुत्तों के आगे डालूं। लेकिन कुत्ते तो मार दिए गए हैं चार्ली। नोमी के चचा ने बकवास करता हुआ झूठ बोलता है, मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ सब आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। चार्ली, ऐसा है कि तुम लोग आपस में सलाह करो, मैं तुम लोग के फैसलों के असरअंदाज नहीं होना चाहता।
ठीक है, ओके मैं चलता हूँ कॉलेज। टेक केयर। हाँ भैया, अब बताओ कि तुम कैसा चाहते हो कि कैसा किया जाए? मलिक नुमान को फुटपाथिया नहीं है एसएचओ साहब, जो आपके हवाले कर दिया जाए। कह दिया ना आपसे कि बच्चों की शरारतें थी, खत्म हो गई। अब बीच में खाम खा वो क्या नाम है उसका, वो यतीम लड़का, वो जख्मी हो गया। भाई किसने कहा था उससे कि खूंखार कुत्तों से छेड़छाड़ करता फिरे? मलिक साहब, उस लड़के के वारंट निकले हुए हैं। हाँ, आप उसे थाने में भिजवा दें तो ये उसके हक में बेहतर होगा, वरना हम उसे फिर एक पागे हुए मुजरिम की हैसियत से गिरफ्तार कर लेंगे। जी ना 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 सचो साहब, लगता है आपको अपनी पोस्टिंग को ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। मलिक साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। देखें, कल तक ये सारी खबर जो है ना अखबारों में छप जाएगी, फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। बेहतर यही है कि उसको आप थाने में भिजवा दें आराम से। तो फिर कर लो गिरफ्तार उसे, आराम से ढूंढो, मारो छापे और सस्पेंड हो जाओ। और नौमी, अगर तुम शेरों वाला दिल गुर्दा नहीं रखते तो क्यों इस किस्म की हरकतें करते हो? जलील करवा दिए ना दो टके के लोगों की नजरों में। चाचा जी, बस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैं तमाम मामला ठीक ठाक कर लूंगा। और तुम्हारे ये ठीक ठाक होने में कम से कम 2 हफ्ते लग सकते हैं। और तुम, अच्छा यूं करो, तुम इन 2 हफ्तों के लिए कम से कम कहीं गायब हो जाओ और दोबारा मुझे नजर मत आना, समझे? ले जाओ इसे और गायब कर दो, और जब तक मैं ना कहूं दोबारा ये नजर ना आए। चाचा जी, अगर मैं कॉलेज जाना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल में मामला हल हो सकता है। सियासी मार। चुप है, सियासी मार। दोबारा इस किस्म की बुजदिलों वाली हरकत का सोचना भी नहीं। और तुम खड़े मेरा क्या मुंह देख रहे हो? ले जाओ इसे। सियासी मार का बच्चा। बैठे मलिक साहब, बैठे प्लीज। प्रैक्टिकल जॉक था सर, हम उसे मजाक के तौर पे ले गए थे जी। चार्ली हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो एक मजाक था जी, वो तो उन कुत्तों के साथ खेलता रहे जी। पानी पानी पिला दे मुझे। कुत्ते भी इतने जल्दी अपने नजरें नहीं फिरते। बकवास करते हो तुम, कहाँ है तुम्हारा गैंग लीडर? और पानी मांगा था तुमने? पानी लो, लो लो, बुझाओ अपनी प्यास, लो बुझाओ अपनी प्यास, पियो। लोगों को तबाह करो और सुकून से जियो, पियो पियो। सर वो तो हमें कॉलेज छोड़ के आपके साथ नौमी के फार्म हाउस पे चला गया था चार्ली को लेने, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं जी? मैं कोई आपकी कस्टडी से तो नहीं भागा ना जी? चार्ली से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, हमारा उसे वहां ले जाना एक मजाक था जी। मजाक था? तुम इसे मजाक कहते हो? मजाक कहते हो इसको? लोगों की जानों से खेलते हो और इसे मजाक कहते हो जी? क्या उसने तुम्हारा ग्रुप मजाक में नहीं छोड़ा था? सच सच बताओ कि तुम्हारा ग्रुप और किन किन चीजों में इन्वॉल्व है और कहां है तुम्हारे ठिकाने? कहीं नहीं है सर, मुझे सिर्फ नौमी के घर और उसके फार्म हाउस का पता है, वो मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता जी। तुम मलिक महफूज के लिए काम करते हो? मैं किसी के लिए काम नहीं करता जी,
मलिक महफूज हमारे दोस्त नौमी का चचा है जी, वो ठीक ठाक घराने से ताल्लुक रखते हैं जी। अब भी वक्त है तुम्हारे पास, तो मैं थोड़ा सा वक्त देता हूं अपने आप को और अपने दोस्तों को बचाने के लिए। हमें पूरी पूरी इंफॉर्मेशन दो। सर मुझे अपने माँ के सर की कसम है जी। बकवास मत करो तुम, झूठ बोलते हो तुम। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि अगवा जैसे संगीन जुर्म की सजा क्या है। हमने इत्तला कर दी तुम्हारे वालिदैन को ताकि वो आए और तुम्हारे करतूत देखें। सर यकीन करें सर, मैंने चार्ली को अगवा नहीं किया जी, वो एक मजाक था ना जी। तुम्हारे ये साथी नशाई लगते हैं, तुम भी ड्रग्स लेते हो? नहीं सर, मैं ड्रग्स नहीं लेता। नोमी कहाँ है? बोलो जवाब दो, कहाँ है नोमी? बोलो जवाब दो। मुझे नहीं पता जी। बोलो जवाब दो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। साबिर। यस सर। जुल्फी को उन दो नशाइयों से अलग कर दो। यस सर। सर आपका अस्पताल जाके चार्ली को मिलना उसका हौसला बढ़ा देगा और फिर पुलिस से उसके लिए प्रोटेक्शन भी चाहिए होगी। हाँ 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 ठीक है ठीक है। वैसे उसके क्लास फेलोज तो होते हैं ना उसके पास अस्पताल में? जी क्लीम साहब, उसके क्लास फेलो हॉस्पिटल में उसके साथ ही होते हैं। लेकिन वो लड़का नोमी इस हद तक पहुंच चुका है कि वो चार्ली को कोई और नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हाँ हाँ भाई देखिए, पुलिस को जुल्फी वगैरह का रिमांड तो मिल चुका है, अब देखते हैं कि वो नोमी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं पुलिस को। वैसे अगर आप मुनासिब समझें और ऐसा हो सके तो उसे हॉस्टल शिफ्ट करवा देते हैं। सर हॉस्टल में शायद उसका इलाज ठीक तरह से ना हो सके, क्यों ना हम नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यह मजाक नहीं था। नोमी को अच्छी तरह से पता था कि मुझे कुत्तों से डर लगता है, पहले भी मुझे वो कुत्तों से डराता रहा, लेकिन यह मजाक बिल्कुल नहीं था। लेकिन तुम्हारे पुराने साथी तो यही कहते हैं, और नोमी जो तुम्हें बचाने के लिए पुलिस के साथ कॉलेज से गया था। तो ये लोग कॉलेज मेरे बगैर गए क्यों? मुझे भी तो साथ ले जा सकते थे। तुमने इन्हें छोड़ा क्यों? सच तो ये है कि जहां साहब के आने के बाद मुझ में पहली बार यह एहसास हुआ है कि मैं किसी गंदी नाली का कीड़ा नहीं, मुझ में भी कुछ है जिसके लिए मुझे मशकूर होना चाहिए, अच्छा महसूस करना चाहिए। लेकिन नोमी या तुम्हारे साथियों को उनसे क्या इख्तलाफ हो सकता है? जब तक मैं अपने आप को नाकारा समझता रहा, मैं नोमी के लिए जोकर, बंदर और एक जर खरीद गुलाम बनने पर राजी था, मुझसे कुछ भी करा सकता था। नोमी के चाचा मलिक महफूज को जानते हो तुम? जी, उन्हें खास तौर पर मेरा यतीम होना बहुत अच्छा लगता है। अजीब शख्स है, नोमी को खास तौर पर मेरा ख्याल रखने को कहते हैं। चार्ली नोमी के एक्टिविटीज़ के बारे में पुलिस तुमसे बाद में पूछताछ कर लेगी, फिलहाल इतना ही काफ़ी है कि तुम्हें वहाँ ज़बरदस्ती ले जाया गया था। मुझे शहर से जुल्फी वगैरह ज़बरदस्ती ले गए थे, लेकिन बाले, तारिक और नोमी के मकासद में फ़र्क हो सकता है, क्योंकि हाँ ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि नोमी की तरह बाकी लोग मुझे क्लाउन नहीं समझते थे। वो कैसे? नोमी मेरे मामले में आराम से बैठने वाला नहीं है, क्योंकि नोमी की नज़र में वो शख्स के साथ हूँ जिसने उसे तमाम स्टूडेंट्स के सामने जलील किया है। जलील कर दिया था? क्या मतलब तुम्हारा? जी, उस बेवकूफ़ ने जहां साहब को चैलेंज किया था और ख़ुद ही अपने हाथों शर्मिंदा हुआ। कैसा चैलेंज? बॉक्सिंग का मुकाबला। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा छोटा भाई रॉकी भी अच्छा बॉक्सर है। रॉकी?
ये जनाब। सलीमा मैं एक बात बताऊं, तुम्हें मुझे वो बात नजर आती है जो खाल खाल लोगों में होती है। अच्छा ओ यार तो क्या बात? असल में मेरे जो वो जिक्र सेशन के साथी हैं ना, वो समझ रहे होंगे मैं उन्हें भूल गई हूँ अपने बेटे के शादी के चक्करों में। जिक्र क्या? सलीमा ऐसा करती हूँ मैं कि अगले हफ्ते जिक्र सेशन रखती हूँ और तुम और अहमद भाई आप दोनों उसमें शरीक होंगे, स्पेशली मैं आपको कह रही हूँ। वादा नहीं करता, कोशिश करूँगा। वैसे मिसेस सालम मैं तो चलते फिरते जिक्र करता रहता हूँ, बहरहाल आप कहती हैं तो। आप आकर देखिएगा अहमद भाई, ऑनेस्टली मैं गलत नहीं कह रही, इतना सुकून मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यदि आपको मैं कोई बेसकून आदमी नजर आता हूँ? नहीं 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 प्लीज़, ये नहीं मैं कह रही, आप बिल्कुल बेसकून नहीं नज़र आते। आपने शायद मेरा ख्याल बुरा माना, मैं तो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रही थी। वैसे आप कुछ कहने नहीं आई थी यहाँ जो शायद आप भूल रही हैं? बात करनी भूल रही? नहीं मैं तो कुछ नहीं भूल रही। सोच लीजिए क्या बात थी, अगर कोई बात होगी भी तो वो हम सबके बारे में होगी। जिक्र, हाँ सरप्राइज। ओहो नहीं 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 नहीं, उसके लिए तो हमें आज रात खाने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं तो आप लोगों को इनवाइट करने आई थी। सलीमा यू विल लव इट। बताइए तो सही वैसे क्या बात? नहीं पहले जिक्र सेशन पर आने का वादा करो। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन प्लीज बात तो बताइए ना क्या आप? समथिंग वेरी स्पेशल, लेकिन रात तक उसको राज ही रहना चाहिए और जहान का आना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आई कांट डू दैट बिकॉज यू नो वो डिपार्टमेंट अलग है, आप खुद ही उससे बात कीजिएगा, बड़ा मसरूफ आदमी है, बहुत मसरूफ शख्सियत है, मेरी तरह रिटायर्ड नहीं है। अच्छा फिर आप नंबर दें उसका।